है क्या? उधर होगा ना, उसने देखो कोई टाइप टाइप वॉइस ही वाला टाइप। हां उधर देखो मैडम, नहीं ये पे आ गए हैं, साथ में रहेंगे। ठीक मोबाइल स्टार्ट कर दूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में जैसे कि मैंने लिखा, फोर्स अगर कांस्टेंट है, कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक। अगर मैंने फोर्स लिखा एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई क्यू जे के प्लस जेड के, तो ये भी कैसा फोर्स होगा आपका, कंजर्वेटिव इन नेचर। आई का कोफिशियंट एक्स के टर्म में होना चाहिए, जे का कोफिशियंट वाई के टर्म में, और के का कोफिशियंट जेड के टर्म में, ठीक है। जैसे कल एक एग्जांपल ये था वाई आई कैप प्लस एच जे कैप, इसका मतलब अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, अगर हम लोग क्वेश्चन को पार्शियल इंटीग्रेशन से अगर सॉल्व कर सके तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। अगर तीनों में किसी भी तरीके का फोर्स है तो ये सभी फोर्सेस कैसे होंगे, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। और एक आखिरी जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, जैसे कि मैंने लिखा वाई आई कैप, इस वाले इक्वेशन को मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब तक मैं वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ना लिख पाऊं, इसका मतलब ये कैसा फोर्स होगा आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो फिजिक्स में एग्जांपल कौन कौन से हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सभी क्या आपके कंजर्वेटिव इन नेचर। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो कि पाथ पे डिपेंड करता है।
नहीं हाँ इसको देखना पड़ेगा इस वाले को देखना देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखिए पहले पॉइंट्स लिखिए उसके बाद मैं इसको समझाता हूं फर्स्ट पॉइंट लिखिए पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स लिख लीजिए बिकॉज वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सेकेंड पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट depends on reference but difference in potential energy is independent of reference point अब देखिए जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते ठीक है और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं किसी के रेस्पेक्ट में बताता हूँ जैसे सिंपल से एग्जाम्पल क्या है जैसे कि मैंने कहा ये ग्राउंड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल H1 हाइट पे रखा हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा आप लोग कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है MgH1 या आपने क्यों कहा क्योंकि ग्राउंड को आपने क्या मान लिया रेफरेंस अगर मैंने ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया तो इसके रेस्पेक्ट में H1 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है आपकी MgH1 ठीक है अगर मैं यहां पर इसी को रेफरेंस मान लो जो H1 हाइट है अगर मैंने इसी को रेफरेंस मान लिया तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो तो ये दो डिफरेंट केसेस हो गए फर्स्ट वाले केस में आपने क्या माना कि ग्राउंड आपका रेफरेंस पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी MgH1 सेकेंड वाले केस में आपने इसी को क्या मान लिया रेफरेंस तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट लिखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पे वो किस पे डिपेंड करता है रेफरेंस पे वो हमारा रेफरेंस डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है ठीक लेकिन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ग्रेविटेशन में ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं ठीक है कि अगर मैंने एक बार इंफिनिटी को रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर मैंने अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी याद है ऐसा क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने ठीक है वो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है ठीक रेफरेंस डिसाइड करता है किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को अब एक और पॉइंट हम लोगों ने लिखा था डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस द
दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि पहला केस मैंने लिया, ग्राउंड को रेफरेंस माना हुआ, ग्राउंड आपका रेफरेंस है, ए पार्टिकल है जो कि h1 हाइट पे है और उसी पार्टिकल को मैंने h2 हाइट b पॉइंट पे रख दिया, ठीक। अगर मैं b पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूं तो कितना हो जाएगा mg h2, अगर मैं a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा तो mg h1, ठीक है। और मैंने कहा कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये कितना हो जाएगा mg h2 माइनस h1, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं, ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट, मैंने क्या किया ए को रेफरेंस मान लिया। अगर मैंने ए को रेफरेंस मान लिया तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हाइट कितना होगी एच टू माइनस एच वन, तो इसके रेस्पेक्ट में बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एच टू माइनस एच वन। अब बताइए बी और ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है सबको, यस। बुक डिस्क्रिप्शन में है ना, यहां तक क्लियर है, यस सर। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया, यस। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास वर्क डन का तो जनरल फॉर्मूला था कि हम लोग इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल रहे थे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट से बचने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे समझें, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स is equal to minus of change in potential energy. अब एक example से इसको बता भी देता हूँ कि कैसे. Work done by conservative force is equal to minus of change in potential energy. इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ work done by conservative force is equal to u initial minus u final. ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। मान लीजिए एक ब्लॉक है,
इसका मास m है, इसको मेरे को लिफ्ट करना है और इसको h हाइट तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं तो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा हूं इसको, बहुत स्लोली, ताकि इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी ना आए, ठीक है। अगर मैं तेजी से मूव करूंगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, तो एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ब्लॉक को एच हाइट तक मेरे को मूव करना है, लेकिन इसका मोशन क्या है, बहुत स्लो है। स्लो मोशन इसलिए रख रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना आए। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस पे अगर एफबीडी बनाऊ तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है। अगर मेरे को इसको लिफ्ट करना है तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, mg के इक्वल, ठीक है। अगर mg के इक्वल फोर्स होगा तभी मैं इसको मूव कर सकता हूं, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब है यहां पे किसके कारण वर्क डन निकालूं, mg के कारण, mg आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ठीक। तो मैं यहां पर अगर mg के कारण वर्क डन निकालूं, वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg डिस्प्लेसमेंट h और cos थीटा की वैल्यू -। तो ये मैंने वर्क डन बाय mg निकाल लिया, ग्रेविटेशन के कारण कितना वर्क डन हुआ। अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखूं, इसको अगर मैंने रेफरेंस माना है तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। हम लोगों ने क्या लिखा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना है, 0, जिस पोजीशन से आपने इसको लिफ्ट अप किया है, तो 0 माइनस mgh, दोनों चीजें सेम आ गई ना, क्लियर है। सर एक चीज पूछनी है, बोलिए। अगर एम मास को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो चाहे धीरे ले जा रहे हैं या तेज ले जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी ना उसमें। मैं बहुत धीरे, मैंने क्या कह रहा हूँ, बहुत स्लो मोशन है। मैंने आज इसको लिफ्ट करना स्टार्ट किया, पता चला कि 10 साल के बाद इसको ऊपर पहुंचाया हूँ। आया समझ में, धीरे का मतलब समझ आ रहा है कि कितना धीरे है। ले रहे यहां तक, आप देखिए यहां पे एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब अगर इस वाले ब्लॉक को मेरे को ऊपर की तरफ मूव करना है तो मेरे को ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं, mg, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके हिसाब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये हो रहा है ना प्रूफ, mgh माइनस 0, mgh आ जाएगा, सर
क्लियर है सबको? नोट कर लिया? यस सर। देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तभी मैं ये सब फॉर्मूले लिख पा रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने किसी ब्लॉक को लिफ्ट किया, ठीक, इसको एनर्जी कंजर्वेशन से समझिए। मैंने कहा कि ब्लॉक आपका कहाँ पे था? ग्राउंड पे। मैंने इसको लिफ्ट करके किसी एच हाइट पे पहुंचा दिया। ठीक, अगर मैं इसको लिफ्ट करके एच हाइट पे पहुंचा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, खुद से तो जाएगा नहीं ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने जो वर्क डन किया, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट गेट्स कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल एनर्जी। बहुत स्लो मोशन कर रहा हूँ, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं कर रहा। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जितना भी वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके पोटेंशियल एनर्जी में। अब थोड़ा दूसरे तरीके से सोचिए कि अगर मैंने कहा कि एच हाइट पे पार्टिकल है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, ये एच हाइट पे है और ये ग्राउंड है। अगर ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स तो कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स के तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट तब थी जब मैं ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, अगर मैंने इस वाले पोजीशन से इसको ड्रॉप कर दिया, अगर इस वाले पोजीशन से ड्रॉप कर दूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, पहले एमजीएस था, ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है कहां चलेगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अरे पोटेंशियल एनर्जी ही डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। समझा नहीं। यही हो रहा है ना, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है, इसको नीचे कौन लेकर आ रहा है? ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी ने जितना वर्क डन किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को उसने डिक्रीज कर दिया। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल एक यही है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, खत्म। वो उसके वर्क डन में चला गया, फिर वो वर्क डन उसके काइनेटिक में कन्वर्ट कर, सब कोरिलेटेड है। क्लियर है? बस इसको याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके कारण पढ़ते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, देखा आपको स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, पता है ना सबको कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। लेकिन मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बीच में एक टर्म आता है जहां पे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और डेरिवेशन से ही पता चलेगा कि किस पोर्शन पर हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे में चीजों को रटवाऊंगा कि आएगा तो ये करो, ये आएगा तो ये करो। ठीक, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, यहां पे मैं एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। ठीक है, मेरे को इस स्प्रिंग को x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक मूव करना है इस डायरेक्शन में।
ठीक है, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे, ये अभी नेचुरल लेंथ पे, ठीक। मेरे को क्या करना है, इसको x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक मूव करना है, ठीक। तो मेरे से पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल देखिए, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट बार बार लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल लगाया है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुरंत इसको ऐसे खींच के यहाँ पे कर दिया, बहुत स्लो मोशन हो रहा है, ठीक है। इसे मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सभी पैरामीटर्स को मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन नीट के लेवल में काइनेटिक एनर्जी नहीं आती है स्प्रिंग के केस में, ठीक है, वो हमेशा मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन ही पूछता है, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को x1 पोजीशन से लेके x2 पोजीशन तक डिस्प्लेस किया। तो मेरे से पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक बार ट्राई कीजिए इसको एज ए क्वेश्चन कीजिए, फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए किसी भी स्टेज पे अगर मैं देखूं स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, है ना, मैं इसको अगर बाहर की तरफ एलोंगेट कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। मैंने कहा कि इसका मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया इस डायरेक्शन में dx, देखो तो x1 से x2 तक ले जाना, ठीक। अब यहां पर अगर मैं वर्क डन निकालू तो स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, U initial minus U final, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। Work done by conservative force, force कितना लग रहा है kx, और displacement आपका right direction में, दोनों के बीच में angle कितना है 180, cos 180 की value minus 1, तो ये हो जाएगा kx into dx minus, यहाँ तक clear, ठीक, is equal to U initial minus U final। हम लोग कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, x1 से लेके x2 तक। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस k by 2 x square x1 to x2 U initial minus U final, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 upon 2 k x1 square minus 1 upon 2 k x2 square is equal to u initial minus u final। मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो इसी पोर्शन पे करेगा, अब मैं बता रहा हूं कैसे। थ्योरी में क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल में नहीं पूछता, ठीक है। अगर मैं इस वाले पोर्शन पे देखूं, मैंने कहा कि मेरे को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है स्प्रिंग के लिए। अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए डिफाइन करना है तो मेरे को रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहला पॉइंट वही था, बिना रेफरेंस के मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक। मैंने यहाँ पे रेफरेंस किसको मान लिया, नेचुरल लेंथ को ही आपने क्या मान लिया, रेफरेंस, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी वो आपका रेफरेंस है। अगर नेचुरल लेंथ अगर आपका रेफरेंस है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट रेफरेंस, जीरो, जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है आपकी। तो इसका मतलब एक्स वन की वैल्यू क्या है,
एक्स वन की वैल्यू क्या है? जीरो. हुक्स लॉ को याद कीजिए, जब स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था मैंने FSP is equal to लिखा था माइनस kx. वहां पे एक पॉइंट लिखवाया था कि x is always measured from natural length. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि natural length ही आपका reference point है. इसका मतलब initial position x1 is equal to क्या होगा? Zero. Natural length पे है spring. अगर spring अपने natural length पे है तो initial potential energy क्या होगी? Zero. मैंने मान लिया कि फाइनली जो स्प्रिंग था वो x पोजीशन पे पहुंच गया. ठीक, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? u. अब ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा. u इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर. x1 जीरो है, ठीक, u इनिशियल जीरो है, तो यहाँ पे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. यही फॉर्मूला आप लोग याद करते हैं? नहीं, ये याद करने वो थ्योरी में पूछा जा सकता है. सर इसमें ट्विस्ट क्या था? बता रहा हूँ, पहले लिख तो लीजिए. लिख लिया. नोट कर लिया? अच्छा, अब देखिए ये फॉर्मूला वैलिड कब है. पहले इसकी यहाँ पे लिख लीजिए कि कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की. फर्स्ट पॉइंट, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन reference is taken at natural length. Second point, x is always measured from its natural length. अब देखिए मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा आपसे स्प्रिंग से रिलेटेड ही, लेकिन मैंने कहा कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी एट नेचुरल लेंथ वो थी आपकी 10 जूल. ठीक है, आज मैंने कह दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ इज 10 जूल, देन फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर. देखो क्या यूज करना पड़ेगा, ये यहां पे मैं यू इनिशियल की वैल्यू कितनी ले लिया मैंने? 10 जूल. आ गया समझ में? ठीक है, हाँ
क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ 5/2 के हाँ देखिए सिंपल है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 2 से 3 मीटर तक डिस्प्लेस करने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने तो पढ़ा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ये देखूंगा कि यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, तभी मैं ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यू फाइनल कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस यू इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। आगे समझिए, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट ने शुरुआत में एक और पॉइंट भी मेरे को लिखवाना था कि आपने पोटेंशियल एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो मैंने 3 पॉइंट मतलब कि 2 पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को। पहला पॉइंट तो ये लिखवाया था कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड पॉइंट ये लिखवाना था कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन से बचाता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव हो रहा है। अगर मेरे को सिंपल वर्क डन निकालना पड़ता तो मैं क्या लेता, किसी भी एक्स एलिमेंट पे फोर्स निकालता, उसको dx डिस्प्लेस करता और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके निकालता, यही कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है। तो इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट ने मैथमेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ठीक है। नोट कर लिया, सर हमें कैसे पता चलेगा हमें कब वर्क डन बाय एक्सटर्नल करना है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव करना है? क्वेश्चन में जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था ना, मैंने ना ही फ्रिक्शन दिया था ना ही कुछ फोर्स एक्स्ट्रा लगा के दिया, यही था ना? यस सर। तो उसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स? यस सर। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी हम लोग यही सब तो डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में फोर्स देखने पड़ेंगे कौन से हैं, उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find potential energy of the system. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, वर्टिकल में है तो ये एमजी फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना अपने नेचुरल एंड से, कंप्रेस होने के बाद ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो मेरे से पूछा गया फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितना डिस्प्लेस किया होता लेंथ नहीं दे रखी। नहीं किसको रेफरेंस लिया? आपके एक्स स्क्वायर ही होगा सर, के इज इक्वल टू एमजी बाय एक्स। मेरे को निकालना क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो मेरे को बताइए, बीच के स्टेप्स नहीं, ये है ये है। और आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए। सर MgX by 2 नहीं सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग आधे आधे पटके हुए हैं, थोड़ा सा और आगे कीजिए। हाफ के एक्स स्क्वायर सर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? मेरे को तो जो चीज दी हुई है उसी के टर्म में निकालना पड़ेगा ना सर, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। सर m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2 के रेफरेंस किसको माना है? नहीं फिर गलत। सर h इज इक्वल टू 2 mg बाय k। सर m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2 के इज इक्वल टू k x का x भी निकाल लिया, उससे भी नहीं हो रहा है। आम खोल के देखे, आप सिर्फ स्प्रिंग को देख रहे हैं, एम को तो देख ही नहीं रहे।
ब्लॉक भी तो है, अब जी भी लगेगा यानी कि ये मेरे को नहीं पता। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ, बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो स्प्रिंग में जो हाफ के एक्स स्क्वायर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, वो कब वैलिड है, जो हम लोग नेचुरल लेंथ को क्या माने, रेफरेंस। तो मैंने आग बंद करके यहाँ पे नेचुरल लेंथ को ही क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। ठीक, अगर मैं इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये जो एम ब्लॉक है ये एच हाइट नीचे आया है। ठीक है, अगर ये एक्स हाइट नीचे आया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में नीचे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई माइनस एम जी एक्स, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है आपका एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई के, ये वैल्यू अब इसमें पुट कर दीजिए, निकालिए अब आंसर कितना आ रहा है। अब क्लियर है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग को देख रहे हैं। आगे हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के, अभी भी गलत आ रहा है, अरे प्लस माइनस में गड़बड़ मत कीजिए। माइनस आएगा ना? यस सर आ गया, पर मैंने ये तो बोला था पहले। अच्छा तो मैंने माइनस नहीं सुना होगा, ये तो आप बोल रहे थे ये मेरे को पता है, लेकिन जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि आपने माइनस नहीं कहा था। माइनस नहीं कहा था सर। हाँ तो अरे यहां तक क्लियर है, लिखे नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल इन इट। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैंने माना है कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स डायरेक्शन में कर रहा हूं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो अभी आपने लिखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं स्मॉल वर्क डन लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकता हूं, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स। मैंने क्या बोला, मैंने ये सपोज किया है कि फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो मैं स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखूंगा, एफ इनटू डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीयू। तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डीयू डिवाइडेड बाय डीएक्स। ठीक है सर, मेरे को कंफ्यूजन है सर पहले वाले में। हाँ अच्छा, क्वेश्चन में नहीं सर, सर कॉन्सेप्ट में। सर आपने बोला कि इनिशियल माइनस फाइनल और फिर फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सर जब आपने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कराया, सर मेरे को वही नहीं क्लियर हो रहा कि हम कब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे और कब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। हमेशा आप इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैंने वहां पे लिखा था फाइंड वर्क डन टू मूव द ब्लॉक्स
फ्रॉम 2 मीटर टू 3 मीटर. यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा बाई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे आपका कॉमन सेंस आना चाहिए. स्प्रिंग तो हमेशा चाहता है कि अपने नेचुरल लेंथ पे रहे, लेकिन आप उसको कैसे मूव करें 2 से 3 तक, मतलब कि मेरे को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. यही कह रहे हैं ना? सर अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, आ गया. चलिए देखिए, यहां पे मैंने फोर्स इज इक्वल टू लिख के क्या लिखा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स. अब ये मत कहिएगा सर आपने तो इसको एक्स डायरेक्शन में मान लिया, अगर ये एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं. ठीक है, मैथ्स वो सब चीजें कर लेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए. ठीक है, वो मैथ्स में इंक्लूड हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएंगे सब चीजें. ठीक, अभी मैंने क्या देखा कि एफ इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स. इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फोर्स का मतलब क्या हुआ, स्लोप. सिंपल, अगर मैं यू और एक्स के बीच में ग्राफ बना रहा हूं तो यहां पे यू और एक्स के बीच में जो स्लोप होगा वही मेरे को क्या देगा, फोर्स देगा ना. डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप. ठीक, इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ फॉर्मूले को. अगर तो फॉर्मूले को जनरलाइज करूं तो क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में माइनस डेवर यू डिवाइडेड बाई डेवर एक्स आई कैप माइनस डेवर यू डिवाइडेड बाई डेवर वाई जे कैप माइनस डेवर यू डिवाइडेड बाई डेवर जेड के कैप. आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं, कोरिलेट कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैट से. फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं आप लोग क्यू इंटू ई, ये करते हैं ना, क्यू इंटू ई आपको फोर्स देता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे. पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैट में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला मत बताएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएगा, यानी कि के क्यू डिवाइडेड बाई आर बता. कुछ याद नहीं, अरे थियोरी भी मत बताइए, उस पे आइए. कुछ बेसिक फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, सर वर्क डन बाय चार्ज. पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पढ़ा होगा ना. पोटेंशियल इज डिफाइंड वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज. अब वर्क डन का ही मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी. मैं जितना वर्क डन करूंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक, तो यहां पे मैं अगर वर्क डन को लिखूं तो क्यू इंटू वी लिखूंगा, तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा, क्यू इंटू वी. तो यहाँ पे क्यू कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलता है, माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स आई कैप माइनस डेवर वी डिवाइडेड बाई डेवर वाई जे कैप माइनस डेवर वी डिवाइडेड बाई डेवर जेड के कैप. अगर ये याद नहीं आ रहा तो आपको ये तो जरूर याद. पढ़ते हैं ना ये, ठीक है. उसके बाद ग्रेविटेशन में भी आ जाइए. ग्रेविटेशन में ई की जगह क्या लिखते हैं, जी, जी स्मॉल जी. ठीक है, और यहां पे क्या होता है आपका पोटेंशियल. ठीक है, ई की जगह स्मॉल जी आ जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, क्योंकि तीनों कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है. और उसी के लिए देखिए तीनों टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, ग्रेविटेशन में भी, और आपने यहाँ पे कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन किया. क्लियर है? तो ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा. ये मैं दोबारा फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको तो याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका.
तो देखिए जब भी आपको फोर्स निकालना हो क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लिख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फॉर्मूले को यूज करें। अगर क्वेश्चन में फोर्स निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है टू कैलकुलेट फोर्स, अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला। नोट कर लिया। देखिए मैंने एक पार्टिकल पे फोर्स लगाया और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 10 जूल, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सिंपल सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, जल्दी से कीजिए। देखिए कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। अब वैसे भी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पढ़ा था। मैं क्या करूंगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो होता है। तो U इनिशियल कितना है, A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हमारा वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। एक्स को कहां से कहां तक मूव किया, वन से लेके टू तक, और इसको मूव किया वन से लेके थ्री तक। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया बी पॉइंट पे पोटेंशियल। इलेवन बाई थ्री, ठीक है ठीक है। इलेवन बाई थ्री, यस सर, ठीक है। जो आपने बोला वही मैंने लिखा है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये रैंडमली क्वेश्चन दिया था, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नोट कर लिया। देखिए इसको ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, या जब मैं ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा कि फोर्स potential energy at 2,0 and potential energy at 4,0.
प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। देखिए फोर्स और एक्स के बीच में रिलेशन दिया, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, वर्क डन। तो मैं यहाँ पे वर्क डन देखूं तो ये वर्क डन कितना है 10 इंटू 2 20 और ये वर्क डन कितना है हाफ बेस इंटू हाइट 10। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ 2,0 पे, इसका मतलब क्या हुआ, यू फाइनल 2,0 माइनस यू इनिशियल 0,0 इज इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्स। वर्क डन कितना है 20, ठीक है। तो यहां से यू 2,0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड वाले पार्ट में आए, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सॉरी U initial minus U final। अच्छा ये कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव है। और F और X के बीच में रिलेशन दिया, किसी भी फॉर्म में आपके कंजर्वेटिव है, तो यहां से 2,0 के कितना आ जाएगा, माइनस 10, 10 minus 20, u initial minus u final is equal to 30 joule, तो यहां से u 4,0 पे कितना आ जाएगा, minus 20, clear है? जल्दबाजी में ये 30 कहां से आ गया, 20 प्लस 10, ठीक है, नोट कर लिया। Find direction of force at x1 and x2. Find direction of force at x1 and x2. Potential energy और x के बीच में graph दिया हुआ। Find क्या करना है? Direction of force at x1 and x2. फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए एक्स वन और एक्स टू पे। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन एक्स वन पे कंप्रेशन, x1 पे कंप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ
तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, राइट लेफ्ट ऐसे करके कुछ बताइए, अप डाउन यहाँ पे चार ऑप्शन दे दीजिए, राइट लेफ्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लेफ्ट राइट, उसके बाद तीसरा ऑप्शन लेफ्ट लेफ्ट, फोर्थ ऑप्शन राइट राइट, अब बताइए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, नहीं गड़बड़ है, सिंपल F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, देखिए यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल समझेंगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पहली बात तो अलोंग x एक्सिस होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल x x के अलोंग मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी x के टर्म में दिया हुआ आपको, तो ग्राफ से मैंने पहला पॉइंट एक निकाला कि जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो अलोंग एक्स डायरेक्शन लगेगा, ठीक। अब यहां पे अगर मैं देखूं डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, स्लोप, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं एक्स वन वाले पॉइंट पे, तो एक्स वन वाले पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ना, नेगेटिव इन नेगेटिव, अगर फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन, यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यही बनता है। अगर मैं x1 पे जाऊं x2 पे जाऊं तो देखिए फोर्स आपका मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है, हम लोग वहां पे भी इस चीज को पढ़ेंगे दोबारा SHM के केस में, कि ग्राफ से कैसे पता लगाएं कि पार्टिकल SHM करेगा कि नहीं करेगा, इस वाले ग्राफ से यही प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल SHM करेगा आपका, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, मैं इसलिए टॉपिक लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो स्पीड को थोड़ा तेज रखूंगा कि छोटी छोटी चीजें आपकी हो जाए। इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमा के बारे में, मेरे को पता ये नहीं पढ़ा होगा लेकिन एक बार देखिएगा, अगर मिल जाता है लाइन तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसके बारे में देख लेंगे हम लोग, ज्यादा बहुत लेंथी टॉपिक नहीं, सिंपल से क्वेश्चन एक बार बहुत पहले आया था नीट एक मतलब कि मेडिकल में। इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को एक बार पढ़िएगा, मैं उसको और थोड़ा सा जनरलाइज तरीके से करवाऊंगा, ठीक है, तो बस ये दो चीजें पढ़ के आएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बाद स्टार्ट करूंगा मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा इम्पल्स, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे रॉकेट प्रोपल्शन पे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये रोटेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए जो जो छोटे छोटे टॉपिक आपके जो स्टार्टिंग के बचे थे वो यहीं पे आपके कंप्लीट होंगे, जैसे कि आपने एक छोटा सा टॉपिक आपको वो भी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन वाला केस, ठीक है, उसको भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे इम्पल्स के बाद। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत मतलब कि वर्क पावर एनर्जी काफी लेंथी चैप्टर है, सभी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो सैटरडे के लिए थोड़ा ये सब चीजें पढ़ के आएगा, कल आप लोगों का ऑफ है, ठीक।
थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम.